हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के बिराड़ी गांव निवासी रामरतन सेन की फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा ऋण की बकाया किस्तें चुकाने को लेकर बार बार धमकाए जाने के बाद रक्तचाप बढ़ने से मौत हो गई। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के गुंडों ने उस व्यक्ति की गर्भवती पत्नी और 3 बच्चों को भी घर से बाहर निकालकर घर पर ताला लगा दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भोपालगढ़ पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों और गुंडों के खिलाफ डरा धमकाकर मारपीट कर मकान खाली कराने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। भाई ने 4-5 दिन धमकियां देता और घरे लोग लगे इलाज करो भी फोन करियो हाथों हाथ पे इलाज नहीं लोग तो लोग घर ने सब बच्चियों ने बाहर काट दी और लोग दे दियो इस मार भाई खत्म हो गो कहना मन नहीं आई चीज से बात हुई है। राजपाल जी ने कहा है कि जयपुर हमारा हेडक्वार्टर है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमने रवाना कर दिया है, वो देर शाम तक या कल सुबह है। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि थाने में मीटिंग रखेंगे, 5 आदमी आ जाना, जो भी उससे वार्ता होगी आपके पक्ष की मैं आपको पूर्ण आश्वासन यह है कि जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी मेरी जिम्मेदारी है। कृषक साथी में है, श्रमिक में है, सारी स्कीम्स के योजनाओं का आपको लाभ। और जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।